Delhi police on Sunday arrested two men for allegedly trying to extort money from a businessman in Vikaspuri. The accused were trying to extort money from the businessman by threatening to kill his son. Police has also arrested two mobile shop owners for getting the accused two SIM cards on fake credentials. Both accused used to stay in Uttamnagar and knew the businessman personally. Vikaspuri thane mein 1 tarikh ko hame ek shikayat mili thi ki Deepak naam ke shakhs hain jo shikayat karta hai, unhone bataya ki unke paas 3 baar लैंडलाइन फ़ोन पे कॉल आई है और उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे शिकायत मिली हमने केस दर्ज किया और जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई उस दौरान पता चला कि 3 तारीख को फिर दोबारा से इस शिकायतकर्ता ने बताया कि एक शख्स हेलमेट लगाकर इसकी शॉप में आया और फटाफट ये बुलू करके गया कि अभी तुमने अरेंजमेंट नहीं किया है, अगर नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, और भाग गया। तब तक हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में सुराग आ चुके थे। हमने फिर कल एक ट्रैप लगाया और 1 लाख रुपए लेकर के उस जगह पर जहां पर बताया था इन्होंने, वहां पर हमने शिकायतकर्ता को भेजा। हमारी टीम पहले से ही तैयार थी और हमारी टीम ने दोनों शख्स को जो इस केस में शामिल थे रंगे हाथ पकड़ लिया। पावर्ड बाय NNIS।